हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी मेहंदी की बुकिंग मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है और आज जो क्लाइंट मुझसे मेहंदी लगवाने वाली हैं उन्हें अपने ब्रदर की वेडिंग में जाना है, तो इसलिए उन्हें स्टाइलिश मेहंदी चाहिए है। और यहाँ पे मैं अपना छोटा वाला बैग लेकर, इसमें मेहंदी का बॉक्स लेकर चल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे घर से मेन रोड तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है, ऑटो मेन रोड पे मिलता है, इसलिए अभी मैं पैदल जा रही हूँ। अब वहाँ पे जाके मुझे ना ऑटो मिलेगा और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा धूल होती है, इसलिए मैं हमेशा अपने फेस को कवर करके ही जाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से ऑटो का वेट कर रही हूँ, बट ऑटो इधर की तरफ तो आ रहा है, बट मुझे जिधर जाना है उधर की तरफ नहीं जा रहे हैं। और मेरे पास स्कूटी नहीं है, इसीलिए रास्ते में मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बट कोई नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो स्कूटी भी जल्दी ही आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम इधर उधर ढूंढने के बाद मुझे फाइनली एक ऑटो मिला और इसमें मैं बैठ चुकी हूँ और इसमें एक दीदी और बैठी हुई है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेहंदी का काम बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर काम में मेहनत लगती है, पर ये बात ना बहुत ही कम लोगों को समझ आती है। तो चलिए हम ये सब इग्नोर करते हुए अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं दीदी के घर पहुंचने ही वाली हूँ। थोड़ा सा अंदर मुझे अभी पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि इधर ऑटो नहीं आता है। और यहाँ पे ये जो आप इतनी बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसमें पूरा मॉल बनने वाला है और अभी भी इसमें काफ़ी सारी दुकानें खुल चुकी हैं। कुछ टैटू की दुकान है, कुछ कपड़ों की दुकान है। फ्रेंड्स, अभी बारिश का मौसम तो बिल्कुल भी नहीं है और हुई भी नहीं है, बट पता नहीं क्यों यहाँ रास्ते में इतना सारा पानी लोगों ने गिरा रखा है। खैर, मुझे क्या, वो रही दीदी और दीदी के घर जाके मुझे फ्रेश मूड में बढ़िया मेहंदी लगाना है। और यहाँ पे दीदी आगे आगे चलते हुए मुझे मार्गदर्शन कराते हुए अपने घर लेकर जा रही हैं। फ्रेंड्स, मुझे डॉग से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और यहाँ पे दीदी के घर में ना बहुत ही बड़ा सा डॉग था, बट कोई नहीं, दीदी ने अपने डॉग को बाहर कर दिया है और हम यहाँ पे शांति से मेहंदी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दीदी ने फ्रंट हैंड पे मुझे कुछ ऐसे डिज़ाइन लगाने को बोला है, तो यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बनाते हुए दीदी की मेहंदी को स्टार्ट किया है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि दीदी को मैं बेस्ट डिज़ाइन लगा के दूँ। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय आ चुकी है। वैसे तो अभी मैं घर से खाना खा के आई हूँ, बट मेरा चाय पीने का मन हो रहा था तो मैं चाय पीऊँगी ज़रूर। और अब दीदी का हाफ हैंड कंप्लीट होने ही वाला है, तो बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि आपको मेहंदी लगाने में कितना टाइम लगता है। तो अगर मैं अरेबिक मेहंदी लगाती हूँ तो दोनों हाथ कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटे का टाइम लग जाता है। और फिर डिपेंड करता है कि हम कैसी डिज़ाइन लगा रहे हैं। अगर ज़्यादा भरी हुई डिज़ाइन लगाएंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा और खाली खाली सी डिज़ाइन लगाएंगे तो हमें कम टाइम लगेगा। और यहाँ पर दीदी जो डिज़ाइन लगवा रही हैं वो ना ज़्यादा भरी हुई है और ना ज़्यादा खाली है। सो फ्रेंड्स, फ्रंट हैंड की मेहंदी कंप्लीट करने के बाद अब मैं बैक हैंड की मेहंदी शुरू कर रही हूँ। बैक हैंड की मेहंदी अब मैं अपने अकॉर्डिंग लगाऊंगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे दीदी की फ्रंट और बैक की मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मैंने ना दीदी की अलग अलग बैकग्राउंड में अलग अलग पोज बनाते हुए फ़ोटोज़ ली हैं। और दीदी ना बहुत ही ज़्यादा शाई थी, इसलिए दीदी के फेस के साथ मेरे एक भी फ़ोटोज़ नहीं हैं। और फिर मेहंदी लग जाने के बाद दीदी ने मुझे फलों का नाश्ता कराया था। कई जगह क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पानी भी नहीं पूछते हैं, और कई जगह क्लाइंट ऐसे होते हैं जो एकदम से भरपेट खाना भी खिला देते हैं। और अब मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद, अपना नाश्ता करने के बाद अपने घर के लिए निकल चुकी हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।